हेलो गाइस, तो गाइस आज का जो वीडियो होगा, गाइस आज का वीडियो भी एक फ्री अर्निंग के ऊपर होगा। ओके, तो ये फ्री अर्निंग कैसी होती है? ओके, इसमें गाइस ये भी एक तरीके की पैसिव इनकम होती है, पर इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, अदरवाइज ये फ्री रहता है। आपको कुछ भी लाइक कोई पेड साइनअप नहीं करना होता, आपको कुछ ख़रीदना नहीं होता है, और ना ही आपको एग्जैक्टली में किसी को कुछ बेचना होता है। ठीक है, आपको बस एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी करनी होती है, करके एक स्ट्रैटेजी को प्लेस करना होगा, और जैसे आप वो कर देते हैं तो गाइज आपको इसमें जो है रेफरेंस से आपको पैसा मिलता है। ओके, कमीशन बेसिस पे। तो इसमें गाइज सीपीए मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में कैसा होता है गाइज, आप जो भी चीज़ होती है, ओके, आप उसको एफिलिएट करते हैं, ओके, आप किसी को रेफर करते हैं ना, तो वहाँ पर या तो उसको साइनअप करना होता है या कुछ भी करना होता है, तो वहाँ पे जो भी जिसको आप कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स या जो भी है, उनको अपनी जेब से खर्च करना होता है, तब आपको जाके पैसा मिलता है। पर सीपीए मार्केटिंग टोटली डिफरेंट है, यहाँ पे किसी को भी अपने जेब से खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हम आपको एग्जांपल्स भी बताएंगे गाइस कि ये सीपीए मार्केटिंग लोग कैसे कैसे करते थे, तब आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो सीपीए मार्केटिंग होता क्या है, आपको बहुत बार ऐसे एसएमएस आए होंगे या कुछ भी ऐसे फॉरवर्ड जाते होंगे कि यहाँ पे साइन अप कीजिए, आपको लॉटरी लगेगी। ठीक है, तो गाइस वो सब सीपीए मार्केटिंग होती है। आप साइन अप करते हैं, साइन अप करने के बाद आप लोगों को शेयर करते हैं, 10 लोग को शेयर करो, 3 लोग को शेयर करो, 20 लोग को शेयर करो, तो आप जितने लोग को शेयर करते रहते हो ये एक चेन बनती है, और जिसका भी वो सीपीए मार्केटिंग का वो होता है उसको पैसा मिलता रहता है, बिकॉज जितने भी साइनअप्स होते हैं हर साइनअप पे पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये इसी तरीके का होता है। आपको अब सीपीए मार्केटिंग में एक चीज़ बहुत गंदी चीज़ ये होती है, जो नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से, अगर आप सीपीए मार्केटिंग करें तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है, बट सामने वाले के लिए प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो मे बी वो जो चीज़ कर रहा है, ठीक है, अभी इसमें मोस्टली क्या होता है, सर्विस से आपको कमीशन मिलती है। ठीक है, आप किसी को ऐप रिफर करते हैं, ओके, या फिर आप किसी को बोलते हो कि ये साइन अप करो, वो करो, वो करो, तो सामने वाले को गाइज वो फ़ायदा शायद नहीं होगा, पर आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सीपीए मार्केटिंग में अगर आप करते हैं कभी भी, तो किसी को प्लीज़ झूठ बोल के या क्लिकबेट टाइप मत कीजिएगा कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, आपको सामने वाले को कुछ यू नो लालच देना होगा ताकि वो भी कुछ कमा सके या फिर उसको कुछ फ़ायदा हो, तब जाके वो आपको एक प्रॉपर लीड देगा। ठीक है, हम आपको बताएंगे क्या है सीपीए को, अगर आप रन करना चाहते हैं, आप इससे अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है गाइस सीपीए लीड्स। अब सीपीए लीड्स वेबसाइट तो है, अब इसको करना कैसे होगा गाइस, हम आपको उसके दो फ्री तरीके बताएंगे, बट वो ये वीडियो पे नहीं, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे दो फ्री तरीके कि कैसे आप फ्री में जो है आप बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और ईजीली आप पैसे कमा सकते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में कि कैसे साइन अप करते हैं, कैसे प्रॉपरली अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये सीपीए वेबसाइट है cpaleads.com, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से क्लिक कीजिए, वरना cpaleads.com पे जाइए। ठीक है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको साइन अप करना होगा मैंडेटरी। अब साइन अप करने के लिए तीन ऑप्शन है, या तो आप साइन अप नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, या तो अगर आप चाहें तो फेसबुक या गूगल अकाउंट पे लिंक करके कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गाइस अपना मोबाइल नंबर सब डालना होता है। ठीक है, तो इस पर आपको क्या, हम आपको दूसरा एक अकाउंट क्रिएट करके तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चलो ओके, सो इसमें गाइस हम आपको अभी अपना अकाउंट क्रिएट करके दिखाते हैं आपको इजीली। मैं तो बोलता हूँ गाइस सबसे बेस्ट है अपना गूगल, आपका जो अकाउंट है आप उसी से साइन अप कीजिए, वरना नाम नेम वो ही है, नॉर्मल सी रजिस्ट्रेशन है वो कर लीजिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना होगा। आपको करना है साइन अप विद गूगल, और यहाँ पे आपको अपना गूगल आईडी सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए गाइस, तो हमारा ये आईडी है Usenthro। तो जैसे हमने गाइस इस पर क्लिक किया है, हमारा आईडी देखिए क्रिएट हो रहा है, ऊपर देखिए लोड हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है। तो क्रिएट होने के बाद आपका आईडी क्रिएट हो गया, बिकॉज सारी डिटेल्स गूगल ऑटोमेटिकली देता है। ये आपका एफिलिएट आईडी आपको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, हम आपको बहुत जल्दी से इसका डैशबोर्ड पूरा गो थ्रू कराते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले आपको करना इतना होगा गाइस, आपको अपने अकाउंट पे जाकर अपना प्रोफाइल अच्छी तरीके से क्रिएट करना होगा।
अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं तो ही आप ये स्टेप कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। आपको नाम डालना है, आपका कोई लोगो, आपका आपका फ़ोटो या फिर आपको कोई कंपनी का लोगो, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। गाइस प्रोफाइल के बाद आपको क्या करना होगा, आपको पेआउट्स पे क्लिक करना होगा। इसका पेआउट से बहुत ही सिंपल है, आपके पास एक पेपैल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। पेपैल अकाउंट होगा तो आप यहाँ से जो है अपना जो पैसा जो है पेपैल अकाउंट पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये देखिए पेपैल पेमेंट्स के लिए आपको 2% का टोटल पेमेंट आप होता है, ठीक है। और इसमें आपको क्योंकि जो US के लिए होता नहीं, US वेबसाइट है तो आपको उसकी फ़ी देनी होती है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना करना होगा गाइस, यहाँ पे क्लिक करना होगा व्यू एक्स्ट्रा पेमेंट इन्फो फॉर्म पे, आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना होगा, कुछ भी डाल दीजिए आंसर, ओके www सेव सेटिंग्स, ठीक है। आप कुछ भी कर दीजिए गाइस, ठीक है। एक बार आप गाइस इतना कर देते हैं ना, ये आपका पेमेंट फॉर्म आ गया है। मैं आपको बहुत जल्दी क्विकली बता दूंगा आपको क्या करना होगा। आप डिटेल जो है अपना ये सेलेक्ट, अगर ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मैंडेटरी नहीं है ये पार्ट, पर आप कर देंगे तो ठीक है। आपको ये पार्ट मैंडेटरी है, ओके। आपको डिस्प्ले करेंसी है आपकी US होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। अब ये गाइस फॉर्म W8 होता क्या है, फॉर्म W8 वो फॉर्म होता है अगर आप US सिटीज़न नहीं हैं और अगर आप US की वेबसाइट से पे आउट लेना चाहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप US सिटीज़न नहीं है तो आपके पास वहाँ का टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अगर आप चाहे तो आप यहाँ से, आपको चाहे तो नहीं आपको करना ही होगा, बहुत सिंपल है। इसके पहले आपको ये दिखा रहा था, सिर्फ इतने यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लाइंस पे क्लिक करना है, आपको आपका नाम डालना है, ओके, जो भी आपका नाम है, और यहाँ पर आपको साइन इन सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये आपका हो गया, एक चीज़ हो गया है, ठीक है। अभी तो आपका सिर्फ एक ही चीज़ हुआ है, ये कम्प्लीटेड आ गया। W8 फॉर्म पे गाइज आपको सिर्फ इतना करना होगा, आपका नाम ऑलरेडी आ गया, रेसिडेंट एड्रेस डालना है, सब कुछ डालना है। टैक्स इन्फॉर्मेशन में गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका डिटेल फिल करना है, फिल करने के बाद सेम चीज़ है, आप अपना नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। तो गाइज इसको सबमिट किस हम आपके सामने सबमिट कर ही देते हैं। रेसिडेंशियल एड्रेस में कुछ भी डाल दीजिए, सिटी आपकी जो है वो मुंबई रहेगी, हम मुंबई के, आप आपकी जो सिटी हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट पर अब नहीं, सेम है तो रहने दीजिए, इंडिविजुअल रहने दीजिए, ये हो गया इतना, ठीक है। और क्लेम ऑफ टैक्स रिलेटिव इफ़ एप्लीकेबल, नहीं हमारे लिए एप्लीकेबल। स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस इफ़ एप्लीकेबल, नो, यस, ठीक है। कैपेसिटी एक्टिंग ओनर हो गया, साइन एंड सबमिट। गाइज इतना ही था गाइज, देखिए सुपर सिंपल है। हमने आपको सबसे पहले यही करके दिखाया, बिकॉज ये कोई करके दिखाता नहीं है, इसलिए हमने आपको ये यहाँ पे करके दिखा दिया। यहाँ पे बस आपका खुद का नाम चलेगा और आपका जो भी एड्रेस है आप डाल दीजिएगा। इसका ये सबसे मेन है, आपको आपका पेपैल अकाउंट डालना है और पेमेंट मेथड पेपैल है, पेवनी है, और या फिर CPLead अकाउंट है, जो भी है। तो सबसे बेस्ट होगा आप पेपैल अकाउंट पर ही जाइएगा, आपका पेपैल ईमेल डालिएगा और जो भी आपका पेपैल पे पेई नेम है वो आप डाल दीजिएगा। जैसे आप ये कर देंगे आपको सेव अकाउंट चेंजेस पे क्लिक करना होगा, आपका ये पेमेंट पे आउट का जो है सेव हो जाएगा। मिनिमम जो है $25 जब तक आपका नहीं होता है तब तक आप इसको नहीं कैश आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र होगा, ऑब्वियसली जो मैंने आपको फ़ीस दिखाई है वो फीस डिडक्ट होने के बाद आपके अकाउंट पर वो आएगा, ठीक है। तो पेपैल आपका करते हैं तो ओके, सो पेपैल में जैसे आप मिनिमम 25 कर देते हैं तो उसके बाद ये 25 के हिसाब से आपको फिर 10 के हिसाब से आप बाद में कर सकते हैं, बट फर्स्ट पे आउट आपका जो 25 का ही होगा, ओके। सो उसके बाद गाइज जैसे आप ये कर देते हैं उसके बाद हम आपको बताते हैं आपको करना क्या होगा। उसके बाद गाइज आपको कभी अपनी पेमेंट्स चेक करनी होगी, आपको पेमेंट्स में आना होगा, यहाँ पे आपका करंट बैलेंस बताएगा, ठीक है। और ये जो हमने आपको पहले बताया था, ये रेफरल जो होता है अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं, जैसे कि हम आपको जो बोल रहे थे नीचे लिंक है, ठीक है। अब यही सेम जो हमारा जो दूसरा मेन अकाउंट है उसका जो लिंक होगा हम नीचे डाल देंगे, ठीक है। इससे होगा ये गाइस कि अगर आप हमारे लिंक से करते हो और आपको जो भी पे मिलता है उसका 10% आपको गाइस हमको भी मिलेगा उसमें, ठीक है, और 6 months तक। सो गाइस समझे आप, इतना ही होता है गाली ये पे का। आप चाहे तो अगर आप इस चीज़ को अपने रेफरल को अलग तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं, ये HTML लिंक है इसको कॉपी कीजिए, इस तरीके से कर दीजिए,
ठीक है, ये आपको पूरी तरह फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और यहाँ पे आपका ये एनालिसिस है, ठीक है, आपको कितना कमीशन आपको मिला है उसका पूरा एनालिसिस यहाँ पे मिलता है गाइस। पेमेंट का भी गाइस नीचे जो है, जब आपका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पूरा पेमेंट हिस्ट्री और पूरा एनालिसिस यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। एक रिवॉर्ड प्रोग्राम जो लोग का चलता है वो फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। सो अभी फिलहाल आपके लिए इतना काम का नहीं है। तो मेन मेन चीज़ जो गाइस जो हम आपको बता दी है, अभी आपको जो है हम आपको मेन चीज़ बता देते हैं। सर थर्ड मेन चीज़ जो क्या है, आपको डैशबोर्ड पे आना है। सो गाइस देखिए, ये डैशबोर्ड होता है, हमने आपको ये पार्ट दिखा दिया और जो मेन पार्ट था ये दिखा दिया। ओके, अभी इसमें आपको जो सबसे मेन जो चीज़ हम आपको वो दिखा देते हैं कि कैसे आप कोई ऑफर जो है ले सकते हैं और आप कैसे यहाँ से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहला तरीका जो अर्न का है वो हम आपको बता देते हैं, वो होता है ये प्रमोट टू लैंडिंग पेज रेडी टू मूव। ये जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं गाइस, आप ये सब चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं और जैसे आप इसको प्रमोट करेंगे आपको इसमें एक कमीशन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, ओके, ये एक हेडिंग है, मेक 100 200 100 डॉलर्स डेली। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए गाइस, लिंक लॉक्ड है बिकॉज आपका अकाउंट जो है इतना, हमने न्यू अकाउंट क्रिएट किया तो न्यू अकाउंट के लिए ये लोग ने ये नहीं किया है ओके, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो लॉकर्स ओनली। ये होता है लेवल 2, अभी हम लेवल 1 पे हैं। जब आप CPF से अर्न करना स्टार्ट करते हो और एक अच्छे से ये लोग के मेंबर बन जाते हैं, अच्छे वाले खासे मेंबर, तो गाइस ये आपका लॉकर्स ओनली वाला भी ओपन हो जाता है। ये लॉकर्स ओनली वाला जो है, मैं चाहूँ तो उसको प्रमोट कर सकता हूँ बट इसमें मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है बिकॉज ये मेरे लिए है ही नहीं, ये लॉकर्स 2 लेवल 2 के लिए है गाइस, ठीक है। ओके, तो मैं आपको दिखा देते हैं आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिलहाल ये हमारे दूसरे अकाउंट पे ये ओपन्ड है, ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं आपको वो नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। सो ये देखिए गाइस, ये अब इसके कुछ रूल्स होते हैं आपको बता देते हैं। पहले मैं आपको ऑफर्स दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे आना है, न्यू ऑफर्स पे आना है और न्यू ऑफर्स पे आने के बाद अब यहाँ पे देख रहे होंगे गाइस, यहाँ पे कंट्री वाइज जो है, ठीक है, ये कंट्री है, डिवाइस है, पे आउट है, ये आपको कितनी पे आउट देगा न्यू ऑफर्स जो है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब आपको दिखाते हैं आपको करना क्या होगा। आपको गाइस, अगर आप एक इंडियन हैं, अगर आप इंडिया में ही अगर अपना ये रन करते हैं या लोगों को CPA लीड शेयर करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना होगा आपको गाइस, कोई भी इंडियन का जो ऑफर है, ओके, जैसे कि ये 0.12 डॉलर्स हो गया, आपको सबसे हाईएस्ट वाला ढूंढना है या फिर वो ढूंढना है जो आपके हिसाब से आप आराम से इसको शेयर कर सकते हैं, जो कि आप इंडियन लोगों किसी को भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं, मैं तो करूँगा बिकॉज CPA मार्केटिंग में आपको फ़ायदा, सामने वाले को कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं एक तरीके से मेरी भाषा में तो मैं यही कहूँगा, मेरी लैंग्वेज में, कि ये एक बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है, ठीक है। देखिए फिनसर्व मार्केट, अभी देखिए ये हुआ, ये होता है कि आपका पे आउट है 0.7 डॉलर्स आपको मिलेगा हर एक एक एक्शन पे। अभी एक्शन क्या होगा, इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स है ये लोग ने लिखा है। जैसे हम अपने सिर्फ इंडिया पे क्लिक किया है तो ये लोग ने बोला है कि दूसरे लोग कर पाएंगे बट आपको पे आउट सिर्फ तब मिलेगा जब आपको इंडिया पे आपके कोई शेयर पे होगा, ठीक है। और ये एंड्रॉयड फ़ोन पे ही चलेगा लिखा हुआ है, ओके। कन्वर्ट रन दी ऐप यूज़र ओनली, रन दी ऐप्स, ओके, न्यू यूज़र्स ओनली, ठीक है। तो ये जो भी न्यू यूज़र होगा, लाइक समझ लीजिए जो भी ऐप है, ठीक है, ये ऐप अगर मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं ये CPA लिंक पे क्लिक करता हूँ तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा बिकॉज मैं उसका न्यू यूज़र नहीं हूँ, ओके। सो ये छोटे छोटे से रूल्स होते हैं और कुछ भी नहीं है। अब आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको दिखेगा ये ऑफर है क्या एग्जैक्ट। ये देखिए, ये फिनसर्व मार्केट जो हमने आपके सामने ओपन किया था, सामने वाले को सिर्फ इतना करना होगा, उसको इंस्टॉल करना होगा गाइस। जो जैसे इंस्टॉल कर देगा ना, ये देखिए, अबव इज द ऑफर URL, ओके, व्हेन अ पर्सन कंप्लीट द ऑफर यू विल अर्न दिस मच, ठीक है। उसको सिर्फ इतना करना है गाइस, आप उसको ही ऐप में अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे वो अकाउंट एक अकाउंट क्रिएट करता है, आपको ये जो है आपके अकाउंट पे आ जाता है। आपको सिर्फ इतना करना होगा, बहुत इजी मनी है। अगर आप इसको, अगर आपके पास एक ऑडियंस है, अच्छी खासी ऑडियंस है, तो ये आपके लिए सुपर है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको कहा, ये सामने वाले के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो आप कुछ ऐसी स्कीम्स क्रिएट कीजिए, कुछ भी ऐसा दिमाग लगाइए कि आप सामने वाले को भी कुछ प्रॉफिट दे सकें, ओके। जैसे कि कुछ गिव अवे कर दीजिए, ओके,
कुछ ऑफर रखिए या कुछ कम्युनिटी क्रिएट कीजिए, कुछ भी कीजिए गाइज, पर अगर आप इसको थोड़ा एंटरटेनिंग भी बनाना चाहते हैं या फिर इसको एक एक्चुअली पैसिवली पैसिव इनकम के टाइप से बनाना चाहते हैं तो सामने वाले को प्रॉफिट दिखाइए, ये बेवकूफ मत बनाइए, मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को मत बोलिए कुछ भी। जैसे कि अगर आप देखते हैं ना गाइज, देखिए ये देखिए $250 इसमें क्लिक करो, ये US का ऑब्वियसली, पर आप देखिए ये सामने वाले को बोलता है कि इसको $250 मिलेगा, कुछ भी, ये बकवास होता है, ये सब CP मार्केटिंग होती है, एक मार्केटिंग का तरीका है गाइस, ठीक है। तो फिलहाल इस पर रियली कैसे अर्न कर सकते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कि कैसे आप एक्चुअली में सामने वाले को भी फ़ायदा दे सकते हो, ओके, और कैसे आपको भी डबल फ़ायदा होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो गाइस मोस्टली इस वीडियो में इतना ही है ये, ठीक है, आप इसमें से जो भी ऑफ़र चाहे, ऑफ़र्स इसमें भर भर के है गाइस, सिर्फ इतना ही नहीं है, ऑफ़र्स इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, ठीक है। तो गाइस ठीक है, तो गाइस जैसे कि अगर आपको ये जो विंडो है ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है ना आपके, आपको छोटा लग रहा है, आपको एक्सपांड करना है, आपको यहाँ पे ऑफ़र्स पे क्लिक करना होगा। ऑफ़र्स पे जैसे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए गाइस ये फुल व्यू में आ गया है, और यहाँ से जैसे हमने वहाँ पर सिलेक्ट करे तो यहाँ से आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके, जैसे कि अगर आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे, ओके, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में चलाना चाहते हैं वो मैं आपको बताएंगे कैसे चला सकते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, पर यहाँ पे देखिए इंडिया है, अगर हम इंडियन है, इंडिया पे चलना तो इंडिया पे देखिए ये सब बेस्ट ऑफर्स है। सो गाइस देखिए इंडिया के लिए इतनी गरीबी है ये कितने छोटे छोटे अमाउंट से, बट ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया में लोग बेवकूफ़ बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आप देखिए जैसे कि ये है, ये चार करेंगे तो $1 मतलब ₹72 आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे देखिए पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, गेट 7500 एवरी डे, क्लिक कर सकते हैं, ओके, रमी ये एक ऐप ही होगा ऑब्वियसली, देखिए डाउनलोड दिया ऐप, ओके, इंस्टॉल दिया, वेरीफाई है मोबाइल नंबर, जैसे नंबर वेरीफाई होगा आपको ये अमाउंट आपके पे आउट में मिल जाएगा, पे आउट के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप कोई भी ऑफर सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसको अपने तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको ये लिंक कॉपी करना होगा, आपका एफिलिएट लिंक, और जहाँ पे भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं, एक लैंडिंग पेज क्रिएट कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, यहाँ से ये लोग लैंडिंग पेज क्रिएट करने का भी ऑप्शन देते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये सब अभी तक कभी किया नहीं है बिकॉज हमारे पास खुद का लैंडिंग पेज के लिए है, ओके, हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप वो भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी ऑप्शंस है, ठीक है, तो आप हमको कमेंट से बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप चाहे तो ये कर सकते हैं, ये आप सीख कर सकते हैं। लॉकर जैसे हमने आपको बोला आपके लिए नहीं है ये, फिलहाल level 2 हाई लेवल के लिए है, ये आपका स्टेटिस्टिक्स है, ओके, जैसे कि आपने अभी कितना अर्न किया, कौन से डे पे कितने क्लिक्स आए, क्या आए, वो है ये गाइस, ठीक है। ऑफ़र वॉल है, क्रिएट ऑफ़र वॉल, आप खुद का कुछ ऑफ़र बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई ऐप है या कुछ भी है, आप यहाँ से जो है खुद का क्रिएट कर सकते हैं ताकि कोई आपका आपका जो भी हो आपका यहाँ पे आ जाए और लोग आपकी चीज़ें प्रमोट करना स्टार्ट कर दें। पर इसमें ऑब्वियसली अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपको पैसा भी देना पड़ता है बराबर, CPA लीड्स में कुछ होता होगा, हमने वो तक किया नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आपको कुछ भी अपना कुछ भी फेमस करना है यहाँ पे CPA लीड्स में उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अकाउंट पे जो हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो गाइस आई होप इस वीडियो में आपको CPA लीड्स का पूरा पता चल गया होगा, CPA मार्केटिंग के बारे में पता चल गया होगा, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पे आउट मिलता है, क्या होता है, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। इससे कैसे अर्न कर सकते हैं दो फ्री मेथड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये यूज़फुल लगता हो तो गाइस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है, आपको ऊपर लिंक दिख जाएगा और वीडियो के एंड पे भी आपको दिख जाएगा इसका एक लिंक नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच गाइस।